इन दिनों झारखंड में चुनावी माहौल गर्म है। इसी दौरान गोड्डा संसदीय क्षेत्र में नामांकन का दौर चल रहा है। गोड्डा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा के लिए निर्वाचित कुल 13 अभ्यर्थियों की सूची गुरुवार को जिला प्रशासन ने जारी की है। इस सूची में बहुजन समाज पार्टी के जफर वेद, भारतीय जनता पार्टी के निशिकांत दुबे, झारखंड विकास मोर्चा के प्रदीप यादव, पिछड़ा समाज पार्टी यूनाइटेड से आशा साहू, राष्ट्रीय समता पार्टी से नूर हसन, बहुजन मुक्ति पार्टी से बजरंगी मेहता, आम अधिकार मोर्चा से मुरारी को अपरी, निर्दलीय से अनूप कुमार सिन्हा, निर्दलीय जितेंद्र कुमार बर्णवाल, निर्दलीय मधुसूदन राय, निर्दलीय महेश कुमार सुमन, निर्दलीय वीरेंद्र कुमार मैदान में हैं। इस तरह कुल 13 उम्मीदवारों की सूची देवघर उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने प्रेस वार्ता के दौरान जारी किया है, जिनमें 6 उम्मीदवार निर्दलीय और 11 उम्मीदवार पार्टी से नामांकन पर्चा दाखिल किए हैं। बात करने के बाद फॉर्म 4 को रेडी किया गया था और उस समय कुल मिला के अब जान ही रहे कि 26 लोग टोटल यहाँ पर नॉमिनेशन पर्चा दायर किए थे। उसमें से स्क्रूटनी के पश्चात 13 लोगों का नामांकन रिजेक्ट हुआ और शेष 13 लोगों का नामांकन एक्सेप्ट हुआ, जिसकी सूची फॉर्म 4 के माध्यम से उपलब्ध कराई गई, वो आपके सभी उपलब्ध रहेगा। और आज लास्ट डेट ऑफ विथड्रॉल के बाद से फॉर्मली फॉर्म 6 क्रिएट किया जाता है, जिसमें कि ये फॉर्म 4 के अलावा जितने लोगों ने विथड्रॉ किया है अपना नाम, उनके अनुसार इतने में से माइनस करके तैयार किया जाता है। तो आज नियत समय तक इस 13 में से किसी भी अभ्यर्थी ने अपना नामांकन विथड्रॉ नहीं किया है, तो यह यथावत है। तो कुल मिलाकर गोड्डा लोकसभा क्षेत्र से 13 उम्मीदवार लोकसभा के लिए नामांकित फाइनल किए जाते हैं।